हेलो, हाय, नमस्ते. बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ. मैं आज जो बोलने जा रही हूँ, ये शायद कुछ लोगों को ट्रिगर करे, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, बट सच बोल रही हूँ. बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो कि रोज़ एनर्जी रीडिंग्स की वीडियोज़ डालते हैं. वो तो अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मेरी प्रॉब्लम है मेरे व्यूअर्स से जो रोज़ उन वीडियोज़ को देखते हैं. उसका प्रॉब्लम ये है कि आप एक बहुत ही सीक्रेट ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो. ठीक है, जब हम बोलते हैं ना, शिव शक्ति यात्रा है ये, राधा कृष्ण की जर्नी है, तो हम भगवान का नाम जोड़ रहे हैं. तो आप सोचो कि ये कितनी बड़ी चीज़ होगी. तो अगर आप उसको एक हर दिन अपने प्रेशियस टाइम को वेस्ट कर रहे हो रीडिंग्स देखने में या कहीं पर भी, जो आपका काम नहीं है, वो गलत है. आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है. सोचो कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपको ए जगह से बी जगह पे जाना है. अब आप हर थोड़ी देर में गाड़ी रोक रहे हो और देख रहे हो, हर स्टॉप पे देख रहे हो. कभी कभी थक रहे हो तो देख रहे हो, कभी कभी मन कर रहा है तो देख रहे हो, कभी देख रहे हो अच्छा सड़क ठीक है आगे की. अरे भाई, सड़क ना अपना आपका काम नहीं है, सड़क को मेंटेन करना आपका काम नहीं है, जर्नी है, चलते जाना है. स्पीड स्लो हो सकती है, तेज़ हो सकती है, पर चलना है. सड़क मेंटेन करना आपका काम नहीं है, वो जिसका काम है उसको करने दो. आपका काम है गाड़ी चलाना, तो अपनी ड्राइविंग पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने इनर वर्क पे फोकस करो. हम गृहस्थ लोग हैं, हमें अपनी 3D लाइफ और अपनी 5D लाइफ को मेंटेन करना है. हमें अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स, अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने इनर वर्क को एक साथ चलाना है. सोच रहे हो कितना सारा काम है, तो वीडियोस देखने का कोई पॉइंट नहीं है. टाइम निकालो सबसे पहले अपने लिए, अपने इनर वर्क के लिए, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करने के लिए, अपनी हर दिन के अपनी यू नो जस्ट टू बैलेंस योर 3D लाइफ और अच्छे से, अपने करियर पे, अपनी एजुकेशन पे, जो भी कर रहे हो उस पे फोकस करो. और फिर हाँ, दिन में जब एंटरटेन होना है तो वीडियोस देखो, इंक्लूडिंग माय चैनल. ठीक है, मेरे चैनल की भी वीडियोस तभी देखनी है जब टाइम है, नहीं है तो मत देखना. पर अपने पे फोकस करना, अपनी जर्नी पे फोकस करना, ये लूप से निकलो. हर कोई डिपेंडेंट कर रहा है अपने ऊपर, और ट्विन फ्लेम्स की जर्नी ही डिटैचमेंट की होती है, इंडिपेंडेंस की होती है. और अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हो रीडिंग्स पे, रीडर्स पे, बहुत गलत है. अपने पे फोकस करो, अपनी जर्नी पे. ठीक है.